हेलो गाइज, नमस्ते। जो अपना विलियन चैप्टर चल रहा है गाइज, उसमें अपन बात कर रहे हैं अभ्यास प्रश्न की, और अपन ने लिया अभ्यास प्रश्न 2.15। अब ये क्या कह रहा है कि विलय के सामान्य क्वथनांक पर एक अवाष्पशील विलय का 2% जलीय विलयन का 1.004 बार वाष्पदाब है, तो विलय का मोलर द्रव्यमान क्या है। तो गाइज, सबसे पहले इसमें अपन को क्या करना है, विलय का मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो विलय का मोलर द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। अब इसमें क्या क्या मान दे रखे हैं, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 2% जलीय विलयन। तो गाइज, ये क्या बताना चाह रहा है, तो देखो यहाँ पर है 2% जलीय विलयन, मतलब ये बता रहा है प्रतिशत सांद्रता, और उसमें भी अपन ले रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। तो ये आपके किसी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बता रहा है। अब गाइज, जो आपके विलयन होता है वो विलयन बना होता है विलय प्लस विलायक से। तो देखो, इसमें आपके विलयन, ये विलयन किसे बना है, विलय प्लस विलायक से, ठीक है। तो अगर अपन माने कि आपके जो विलयन का द्रव्यमान है, तो ये विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। अब यहां पर विलायक कौन है, जल ये बोले तो जल, विलायक कौन है आपके यहां पर, जल, ठीक है। अब अपन ने माना कि आपके जो विलयन का द्रव्यमान है वो है 100 ग्राम, ठीक है। तो आपके यहाँ पर 2% दे रखा, मतलब जो 2 है वो क्या है, विलय का द्रव्यमान है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 2 ग्राम क्या हो गया, विलय का द्रव्यमान। अब आपके टोटल 100 ग्राम है, उसमें से 2 ग्राम क्या है, विलय, तो पीछे क्या बचेगा, विलायक, तो वो कितना हो गया आपके 98 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से 2% जलीय विलयन का मतलब हुआ। अब आगे दे रखा है विलयन का 1.004 बार वाष्पदाब, तो एक आपको दे रखा है विलयन का वाष्पदाब, ये कितना दे रखा है आपको 1.004 बार, ठीक है। अब अपन निकालेंगे विलय का मोलर द्रव्यमान। अब ये कैसे निकालते हैं, तो गाइज इसमें अपन काम लेंगे अणुसंख्य गुणधर्म, और अणुसंख्य गुणधर्म अपन लेंगे वाष्पदाब का सापेक्षिक अवनमन। तो अपन क्या कर रहे हैं, आपके वाष्पदाब का सापेक्षिक अवनमन, ये आपके क्या है, एक अणुसंख्य गुणधर्म है, ये अपन काम में ले रहे हैं। अब इसके अंदर सूत्र क्या होता है, तो गाइस देखो इसका सूत्र होता है आपके ये डेल्टा पी बटा P10 बराबर X2। अब इस सूत्र को अगर अपन थोड़ा सा और खोले, तो यहाँ पर जो डेल्टा पी होता है वो होता है आपके P10 माइनस P1 बटा P10 बराबर। अब यहाँ पर ये X2 क्या है, तो देखो X2 है आपके मोल भिन्न या मोल अंश, किसका, विलय का। अब X2 का सूत्र होता है आपके N2 बटा N1 प्लस N2। N2 क्या है, विलय के मोलों की संख्या, और N1 क्या है, विलय के मोलों की संख्या, ठीक है। अब गाइज वापस यहाँ पर आते हैं कि यहाँ पर P10 क्या है और P1 क्या है। तो गाइज जो आपके P1 है वो तो है विलयन का वाष्पदाब, तो यहाँ पर अपन लिख रहे हैं कि जो विलयन का वाष्पदाब है वो क्या है आपके P1। तो P1 का आपको मान पता चल गया। अब अपन बात करते हैं P10 का मान, तो देखो P10 का मान आपको इस प्रश्न में इनडायरेक्टली दे रखा है। कैसे दे रखा है, यहाँ पर बोल रखा है विलायक के सामान्य क्वथनांक पर। अब विलायक का सामान्य क्वथनांक, और इसमें विलायक कौन है, जल है, बोले तो जल का सामान्य क्वथनांक, बोले तो जल का बॉइलिंग पॉइंट, तो जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और उस बॉइलिंग पॉइंट पर अगर हम बात करें उसके वाष्पदाब की, तो वो वाष्पदाब होता है आपके एक वायुमंडलीय दाब, कितना होता है एक वायुमंडलीय दाब। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, P10 का मान पता चल गया, बोले तो जो आपके विलायक है, विलायक का वाष्पदाब, ठीक है, इसको अपन किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, P10 से। अब ये कितना है, एक ATM, बोले तो एक वायुमंडलीय दाब। अब यहाँ पर ये बार है और यहाँ पर ये एक ATM है, तो ATM को अगर अपन बार में चेंज करें तो ये होता है 1.013 बार,
ठीक है। तो इस तरह से आपको P1 जीरो की मान पता चल गया और P1 का मान पता चल गया। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर N2 बटा N1 प्लस N2। तो देखो अब इस सूत्र को थोड़ा सा और अपन क्या करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं। तो ये सूत्र आपके हो जाएगा P1 जीरो माइनस P1 बटा P1 जीरो बराबर, ठीक है। अब देखो N2 कौन है, आपके विलय के मोलों की संख्या, और N1 कौन है, विलायक के मोलों की संख्या। अब देखो यहाँ पर विलायक है 98 ग्राम और विलय है 2 ग्राम, इसका मतलब विलय के मोल क्या रहेंगे, कम रहेंगे, ठीक है। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर N1 प्लस N2 में, तो आपके जो N2 है उस N2 का मान N1 की तुलना में क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर अपन N2 को क्या करेंगे, नगण्य कर लेंगे, तो केवल कौन बचेगा, N1। तो आपके ये सूत्र ऐसे हो जाएगा N2 बटा N1, ठीक है। अब अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ, कैसे, तो यहाँ पर है आपके N2 और नीचे है N1। N2 बोले तो विलय के मोलों की संख्या, क्या अपन को विलय के मोलों की संख्या पता है, नहीं पता है। N1 बोले तो विलय के मोलों की संख्या, वो भी अपन को पता नहीं है। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो देखो अगर हम बात करें केवल मोल की, N बराबर, तो मोल क्या होता है, द्रव्यमान बटा अणुभार, ठीक है। अब द्रव्यमान को अपन प्रदर्शित करते हैं W से, और अणुभार या उसी को अपन बोलते हैं मोलर द्रव्यमान, अणुभार बोलो या मोलर द्रव्यमान बोलो बात है कि, इसको अपन प्रदर्शित करते हैं M से, ठीक है। तो अगर ये N1 है तो ये क्या हो जाएगा W1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा M1, और अगर ये आपके N2 हैं तो ये हो जाएगा W2, और ये हो जाएगा आपके M2, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पर इसकी मान रखेंगे, तो ये सूत्र अब आपके इस तरह से जाएगा P10 माइनस P1 बटा P10 बराबर N2 बोले तो W2 बटा M2, और N1, N1 क्या है आपके W1, अब बटा M1 है वो ऊपर चला जाएगा, तो इंटू M1, ठीक है। अब ये आपके काम का सूत्र है, ठीक है। इसमें P10 का पता है, P1 पता है, W2 पता है, W1 पता है, M1 पता है, और M2 आपको क्या करना है, निकालना है। जो विलय का मोलर द्रव्यमान है ये कौन है, M2 है। तो अब अपन क्या करेंगे, इस सूत्र को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब अपन इसमें क्या करते हैं, मान रखते हैं P10, P10 कितना है आपके 1.013 माइनस P1, P1 कितना दे रखा है 1.004 बटा वापस P10, तो 1.013 बराबर यहाँ पर W2, W2 बोले तो विलय का द्रव्यमान कितना है 2 ग्राम इंटू M1, M1 बोले तो आपके हैं जल का अणुभार या जल का मोलर द्रव्यमान, और जल का मोलर द्रव्यमान होता है आपके 18 बटा M2 अपन को निकालना है इंटू W1, W1 कौन है आपके विलय का द्रव्यमान जो कितना है 98, ठीक है। अब देखो 1.013 में से 1.004 अपन ने माइनस किया, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपके 0.009 बटा 1.013 बराबर 2 × 18 बटा M2 × 98, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, तो ये M2 इधर आ जाएगा बराबर 2 × 18 बटा 98, ठीक है। ये इधर आ जाएगा 0.009 और ये इधर आ जाएगा इंटू 1.013, ठीक है। तो जब अपन इसमें क्या करेंगे, जोड़ बाकी गुणा भाग करेंगे, तो अपन को अंतिम उत्तर मिलेगा 41.35। तो बराबर करके अपन ने लिखा 41.35 ग्राम मोल इनवर्स। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल किया जाता है। धन्यवाद।